साल जोड़ लिया तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह नतीजा अच्छे से अच्छा आएगा और हम कामयाब रहेंगे। शुक्रिया। इख्तदार में है उनके पास उनकी नजरों में इंसानियत की कोई कीमत नहीं है। जो लोग आज बरसरे इख्तदार में है सिर्फ उनके इख्तदार की भूख के लिए पूरे समाज को आग लगाने से गुरेज नहीं करेंगे। आज क्या माहौल बना रखा है, जो मुल्क के गंगा जमुनी तहजीब के साथ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई की तरह रहते थे, आज एक दूसरे को शक की निगाह से देखने में मजबूर हो गए हैं। इसकी वजह कौन है? इसकी वजह एक सोच है, इसकी वजह ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आरएसएस कहा जाता है। ये बीजेपी कुछ नहीं है, बीजेपी आरएसएस की कठपुतली है। वो जो कहते हैं ये करते हैं, वो जो एजेंडा तय करते हैं उसको इंप्लीमेंट करते हैं। इनकी अपनी कोई सोच नहीं होती, इनका अपना कोई एजेंडा नहीं होता, लेकिन जो लोग आज इस मुल्क को चला रहे हैं ये सिर्फ मुल्क को चला नहीं रहे हैं, इस मुल्क को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, पूरी हुकूमत कब्जे में लेना चाहते हैं। एक जगह इकट्ठा कर लें, वहाँ इन लोगों को कैंडिडेट से मिलाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप उनको सपोर्ट करने के लिए। तो इस तक का सफर कैसा रहा आपके कैंपेन का? ये जो तुम सवाल कर रहे हैं रिजवान साहब के साथ, तो इलेक्शन को जब से आए वही इलेक्शन से ही कर को नहीं गलत, हमें उनके यूथ कांग्रेस के इलेक्शन से उनके साथ ही फर्स्ट ही जब उन्होंने यूथ कांग्रेस के इलेक्शन में आए जब से हमें उनके साथ ही थे। वो बीच में जरा उन्होंने अलग सेंट्रल लेवल पॉलिटिक्स उन्होंने बाहर बार बाहर जाते थे, हमें जरा लोकल एरिया में रहते थे, ज़्यादा बाहर हमारा जाना आना नहीं रहता था। उसके बाद उन्होंने जब एमपी के भी जो सीट ले गए उस टेम्पो से भी हम उनके साथ ही थे, वही इलेक्शन में हमें ऐसा ज़्यादा क्लोज हो। मंसूर अली खान का अब तक का सफर कैसा रहा कैंपेन? नहीं, मंसूर अली खान के वास्ते बहुत अच्छा रिस्पांस है और ये रिस्पांस हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट जो सिद्धरामैया सरकार है, जो डी के शिव कुमार सरकार है, जो दोनों की जो गवर्नमेंट है, ये जो गवर्नमेंट की ये स्कीम पांच जो स्कीम दी है ये स्कीम की वजह से और बहुत से चाहे हिंदू रहो चाहे मुसलमान रहो हर तबके का हर मजहब का आदमी सब कुछ है। क्योंकि 9 साल से बीजेपी गवर्नमेंट में उन्हें एक पैसे की भी उम्मीद नहीं है, जो हमारी एक साल में जो सिद्धरामैया गवर्नमेंट में डी के शिवकुमार गवर्नमेंट में बैठकर जो उनको जो पांच जो स्कीम जो उनको दिए है उस वजह से बहुत खुश है। और शिवाजी नगर हलके के अंदर हमारे रिजवान अरशद साहब एमएलए, इनके काम के बारे में भी पब्लिक बहुत खुश है और इनके काम के वजह से उनको चाह कर सब आ रहे हैं। क्योंकि हमारा मोहल्ला बहुत दिन पे दिन इम्प्रूवमेंट होले ही जा रहा है उनके काम के वजह से, और शायद लास्ट टाइम से भी ये बार वोट मिलने के हमें ज़्यादा उम्मीद है। सर ये मेरा सवाल है, कांग्रेस अभी हर आदमी के मुंह में राहुल गांधी बोलकर हर आदमी के दिमाग में आ गया, हर दिल में आ गया है, तो इस वजह से राहुल गांधी का आना ज़रूरी है, एक हमारे देश में एक बदलाव आना ज़रूरी है। जो हमारे हिंदुस्तान में जो नफरत फैला रहे हैं वो नफरत को हटाकर ये भारत जोड़ो वाली सरकार बनना ज़रूरी है। अलग बहुत टाइम लग जाता है, ये बड़ा इलेक्शन है, कैंडिडेट को अलग अलग जाना टाइम देना मुश्किल हो जाता है।